मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, सुबह सुबह अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग घूमने जा रहे हैं। कहाँ पर घूमने जा रहे हैं आपको आगे मैं बताऊंगी। और सूरज का किरने की वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ कैमरे में। अभी सुबह का बज रहे हैं 10:15 बाकी है और आ रहे हैं मेरे दीदी जीजू। ये देखो, चलो चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? एक्साइटमेंट में बहुत हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं मुंबई में इस जगह पे जा रही हूँ। वैसे बोलूँ तो मुंबई में मैंने इतना शहर घूमा नहीं है। गुड मॉर्निंग, ये मेरा दीदी है और मैं और दीदी, मेरे जीजू और मेरा भांजा, भांजा ना भांजा मिलके जा रहे हैं घूमने। कहाँ पर जा रहे हैं? जीवदानी मंदिर जा रहे हैं। ये मुंबई में बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन वो मंदिर में नहीं जा पाई और मेरे दीदी ने पूजा देना है तो इसीलिए हम जा रहे हैं। तो चलो बने रहो, मेरे जीजू आ रहे हैं तो ऑटो पकड़ के इधर से जाएंगे जीवदानी। आजा पापा हाथ पकड़। फ्रेंड, फाइनली ऑटो बुकिंग कर लिया है जीजू ने मेरे दीदी के घर से। जीवदानी मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 200 लिया है जीवदानी मंदिर जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं सफ़र और आप लोग इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हम आ गए हैं जीवदानी मंदिर और जीजू और डिग्गू आगे जा रहे हैं, मैं और मेरी दीदी अभी आ रहे हैं। मेरे दीदी ने A heart beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. इसका ये 39। तो शुरुआत हो गया है मंदिर का सीढ़ी चढ़ने के लिए। दीदी का अभी से पैर दुखना स्टार्ट हो गया, नीचे आ रहे हैं। पूजा देने का सामान भी हमने ले लिया है। मैंने मन्नत तो अभी तक कुछ मांगा नहीं है, मेरा मन्नत पूरी होगा तो मैं जरूर आऊंगी। नजारा कुछ इस तरह से है, देखो मुंबई शहर दिख रहा है पूरा। और मेरे दीदी तो बैठ बैठ के पूरा सीढ़ी चढ़ी है।
सच बताओ फ्रेंड, ये जो कॉइन चिपकाने का कुछ क्रिया हो रहा है, क्रिया इन द सेंस कुछ काम किया जा रहा है, एक ट्रिक्स बोल सकते हैं, ये लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम बहुत ही मजा आया। आगे क्या हुआ आपको पता चलेगा वीडियो के थ्रू। और सच बताओ, किसी किसी का कॉइन चिपक रहा था, किसी किसी का नहीं, और इसे इस तरह से करने में मुझे बहुत मजा आया। आगे आप देखिए मेरा कॉइन चिपकता है कि नहीं, उसके बाद में कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड आपको पता चल ही गया है, आप स्लो मोशन में देखकर पता चल गया मेरा कॉइन चिपका नहीं। तो कोई बात नहीं, मेरा इस बार मेरा मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगी मुझे सब कुछ मैं करके जाऊंगी चिपकता है कि नहीं, नहीं तो मैं मैग्नेट लेके आऊंगी चिपका दूंगी। क्योंकि मुझे इस पे इसके वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, मन थोड़ा सा उदास हो गया था क्योंकि मेरा कॉइन चिपका नहीं। देखिए फ्रेंड, मेरे दीदी किस तरह से सीढ़ी से उतर रही है, ये है फ्रेंड। बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुआ और मेरा दीदी का हालत थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि उनका पैर बहुत दुख रहा था। मेरे जीजू का भी हालत बहुत खराब हो गया क्योंकि एक साथ में छोटा बच्चा रहते हैं, तो आप सबको पता ही है कितना तकलीफ होता है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ, मैं कभी पे बैठा भी नहीं, एकदम चल के गई, चल के आई, बैठी ही नहीं कहीं पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। फ्रेंड अभी निकल गए, हो गया, शूज भी ले लिया है, तो हो गया मंदिर प्रतिमा दर्शन, हो गया पूजा भी हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:10 बाकी है, और दीदी जीजू कहाँ गई, वो लोग कहाँ गए, खड़े हैं सारे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सबने इंजॉय किया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट स्वीट ड्रीम, बाय।